एबीपीएस न्यूज सच का साथी। नाम बदल दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर कहना ये है, बीजेपी सरकार गवर्नमेंट कुछ भी कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहाँ का नाम प्रयाग था, दोबारा प्रयाग आ गया, ठीक है। लखनऊ का इकोना स्टेडियम माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उसका निर्माण कराया था, उन्होंने बनवाया था। जिस हिसाब से आज बीजेपी गवर्नमेंट ने अपना नाम दिया है, बीजेपी का ही नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी का ही नाम है जी। तो ये सारा ये सोच रहे हैं पूरा सिस्टम बीजेपी बीजेपी होने वाला कुछ नहीं है। अखिलेश जी चाहते उस समय कुछ भी तो अपने फैमिली से, अपने परिवार, किसी का भी नाम दे सकते थे अपने रिलेशन से, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। एक इकोना स्टेडियम दिया, पहला हमारे उत्तर प्रदेश में पहला स्टेडियम है जो पहला क्रिकेट हुआ लखनऊ के अंदर। कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था को लेकर के, कानून व्यवस्था हमारी पहले भी सरकारें आई थी यूपी में, जैसे सबसे टाइट जो सरकार में जो कानून व्यवस्था होती है वो होती है बहन जी के सरकार में, मायावती जी की। मायावती जी की सरकार में किसी भी थाने चौकी पे कोई भी गरीब से गरीब इंसान चला जाए, रहीस से रहीस चला जाए, किसी की सुनवाई नहीं होती है, सबको एक डंडे से उसको लेते हैं, एक लाइन में लेते हैं। माननीय अखिलेश जी की सरकार में भी थोड़ा होता है, थोड़ी उसमें थोड़ी धांधलेबाजी चलते है। 8 नवंबर से 2 साल पूरे हो चुके हैं नोटबंदी को लेकर के, और जनता के अंदर आज भी कहीं ना कहीं आक्रोश है जो कि कभी ना कभी देखने को मिलता है जी। तो उस पर आपका क्या कहना है? नोटबंदी मोदी जी ने बंद कराई, नोट बंद कराया, पुरानी नोट सारी बंद करा दी, नई नोट चालू करा दी, इसमें कौन पिसा? गरीब आदमी मरा, पहले भी परेशान था आज भी परेशान है, और शायद है कि योगी सरकार में मोदी सरकार में पब्लिक परेशानी रहेगी। बड़े लोगों का फायदा हुआ इसमें, बड़े लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, बटोला भाग गए इंडिया से, और योगी जी मोदी जी कभी नहीं पकड़ पाए। विजय माल्या लो, बड़े बड़े रईस आदमी कितने भाग गए यहाँ से, कितना पैसा लेके गए हैं, ठीक है। ये रामदेव बाबा है, क्या करते हैं, सब इन्हीं बीजेपी की बदौलत है ना। अंग्रेज बीजेपी की गवर्नमेंट चली जाए तो ये सब जेल चले जाए, इनको रोकने वाला बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक क्या है, मोदी जी का हाथ है, बड़े बड़े लोग हैं, सब प्रधानमंत्री हैं, कौन क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा उनका। तो ये सब धांधलेबाजी चल रही है, योगी जी मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब खत्म। कल छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ है जिसमें 6 लोग मारे गए हैं, और प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि अब नक्सली हमला होना बंद। हाँ, फिर ये क्यों हुआ? अब ये इस चीज का जवाब मोदी जी दें, 6 लोगों की हत्या हुई है, उनके फैमिली वालों को उनके लिए उनका जवाब चाहिए, कहाँ से देंगे? मोदी जी के पास जवाब है? मोदी जी खुद डकैत है जी, ठीक है, मोदी जी खुद इस मामले में इन्वॉल्व है, आतंकवादियों से मिले हैं, तभी तो ये हमले हो रहे हैं, इससे पहले भी तो हमले हुए थे। सब चूतिया बंदी का काम है, पागल बनाते हैं जी। ये बताइए, 2019 का चुनाव आने वाला है और अभी भी राम मंदिर का मुद्दा रुका हुआ है, और योगी जी ये कहते हैं कि राम मंदिर बनेगा, कोर्ट का फैसला आते ही राम मंदिर बनेगा, लेकिन कब बनेगा? 2019 का इलेक्शन आ चुका है, क्या आपको लगता है कि इस साल में मुमकिन है? राम मंदिर के मुद्दे को लेकर पहले भी बोल चुका हूँ आपको कि राम मंदिर ना कभी बना है ना बन पाएगा, रहेगी राम मंदिर बीजेपी कभी नहीं बनवा पाएगी, और जिस दिन बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया तो उस दिन बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज ये है, राम मंदिर जब वहाँ बनना नहीं था, बनवाना, दीपावली पे 1000 दीपक जलाए गए थे, 1 लाख दीपक जलाए गए थे, कितना तेल खर्च हुआ था जी, उसमें हमारे कुछ जिलों के नाम बता, कुछ ही कुछ जिले या कुछ गांव के नाम ले लो जी, जहां पे घर में जलाने के लिए दीपक या मोमबत्ती नहीं जली जी। अगर मोदी योगी जी उन घरों तक तेल थोड़ा पहुंचवा देते जी, तो उन लोगों के, गरीब लोगों के घर भी दीपक जल जाता जी। वहां जलाने से कोई भगवान देखने नहीं आ रहे हैं जी, ना वहां मंदिर बनवाने जा रहे हैं, एक उनने नाम पैदा किया है जी, कुछ नहीं किया है, ऐसे काम करने से कोई गवर्नमेंट थोड़ी चलती है जी।